नमस्कार, 30 30 स्टैम में आपका स्वागत है। वापस से दूसरे हफ्ते में, सेकेंड सीजन के दूसरे हफ्ते में आपका बहुत बहुत स्वागत। और इस हफ्ते थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं और पाई के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो बहुत 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 स्वागत। शुरू में ही मैं सबका आभार प्रकट करना चाह रहा था। मेरा नाम मनीष जैन है और मैं IIT गांधीनगर से बोल रहा हूँ, जहाँ पर ये हमारी छोटी सी लैब है जिसका नाम है सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, और उसमें ये हम काम करने की कोशिश करते हैं। सो बहुत 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 आभार। देश भर के जितने भी शिक्षक, बच्चे, टीचर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और शुरू में मैं सबसे पहले अपने एक अभिन्न सहकर्मी का आभार देना चाह रहा था इस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए, हमारी सहकर्मी नीलधारा, प्रोफेसर नीलधारा मिश्रा, जिन्होंने बहुत बहुत सहयोग करा और एक बहुत ही उत्कृष्ट चीज बताई जिसको हम आज आपके साथ साझा करने वाले हैं। उसके लिए जुड़े रहिएगा कि किस तरह से आप लोग लाखों में एक हैं, लाखों में एक किस तरह से हैं, जुड़े रहिएगा। लाखों में एक कैसे हैं, जो लोग भी, जिन लोगों की शादी हो गई है, होने वाली है, इच्छा रखते हैं, या अब हो गई तो अब क्या करें, चलिए मजबूरी है, तो किस तरह से आप लोगों की लाखों में एक जोड़ी है, पाई पाई का हिसाब करके आपके सामने बताने वाले हैं। पाई पाई का हिसाब करेंगे आज। तो बहुत 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 स्वागत है एपिसोड 2 सीजन 2 में आपका। जिन लोग इनफैक्ट एक मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म भी आई थी आज ही सुबह, मैं अगर मौका मिला तो अंत में दिखाने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश से एक टीचर ने बहुत ही सुंदर क्लिप भेजी कि किस तरह से हम लोग होमवर्क करें, और होमवर्क करने के पहले उत्तर अगर आप पहले ही भेज दें तो बहुत परोपकार होगा आपका। ऐसा उनकी 3 बजे के करीब फोन आया था। मैं बड़ा खुश हुआ कि आप लोगों को असाइनमेंट देने के पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितने भी बच्चे जुड़े हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुझे ये लग रहा है कि बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं, टीचर्स थोड़े कम है, तो ऐसा ना हो, टीचर्स भी पूरी संख्या में जुड़े, बच्चे भी जुड़े। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग ये प्रोग्राम IIT गांधीनगर से बनाने की कोशिश करते हैं, और मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पाठ्यक्रम की खिचड़ी में जिंदगी का तड़का, हाउ कैन वी अनलॉक द ब्यूटी, मैजिक एंड मिस्ट्री ऑफ द मैथ एंड साइंस दैट इज अराउंड अस। एंड टुडे इन दैट एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू लुक एट पाई। पाई के ऊपर चर्चा करेंगे, पाई पाई का हिसाब चुकाएंगे। चार पाई पे आए थे, चार पाई जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किसी ने कपलेट हमें भेजा था, हम सभी लोग चार पाई पे ही यहां आए हैं, और चार पाई पे ही आए थे अपनी माँ के कोख से, और चार पाई पे ही चले जाएंगे, और जिंदगी भर चार पाई कमाते रह जाएंगे। और किस तरह से ये चार पाई हमारे पाई हमारी जिंदगी में आती है, इसको हम पाई को अलग अलग जगह पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ आप लोगों ने जो सवाल देखा था उस पर चले जाते हैं। आपकी जिंदगी में आपने पाई का कहाँ पर इस्तेमाल करा है, इसके उत्तर फटाक से देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 मिनट में इसके उत्तर देख लें। सोने के लिए चार पाई, खाने के लिए चार पाई, ये अंग्रेजी वाली पाई है। घर जोड़कर बनाया, पाई पाई को जोड़कर बनाया, और पाई समझ में आया तो एग्जाम में सफलता पाई। सबसे ज्यादा डी लोगों ने उत्तर दिया। मुझे लगा सोने के लिए चार पाई सबसे ज्यादा को देना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चार पाई, पाई के ऊपर थोड़ा सा पन या खेल कर रहे थे इसलिए आपके साथ ये शेयर करा। चार पाई लाखों में एक, और मैं इसके साथ जुड़ी हुई एक बहुत सुंदर सी 2 मिनट के लिए रिकैप कर लेते हैं। और पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने बहुत सुंदर हमें जो ये संदेश भेजा, इसको देखकर काफी दिल खुश हो गया। ये नुपुर यादव कहती हैं कि 2020 में जो भी पढ़ाई हुई वो 30 30 की वजह से हुई। बहुत बहुत धन्यवाद नुपुर जी आपका, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू नुपुर जी। आई रियली वॉन्टेड टू एक्सप्रेस थैंक्स टू दिस अंश पंत हु राइट्स टू अस फ्रॉम, इंटरेस्टिंगली फ्रॉम IIT कानपुर। वहां पर जो केवी है वहां के छात्र हैं, 11वीं के छात्र हैं। बहुत लंबी ईमेल लिखी थी इन्होंने, कहा जिस तरह से आपने हमको, और इन्होंने बाद में हमारी स्विंग के ऊपर भी काफी स्विंग खुद करके देखी, खुद करके दिखाई और बाद में बताई किस की तरह से वो स्विंग करने में सफल हो गई एपिसोड देखने के बाद। तो उन्होंने कहा कि और बहुत ही सुंदर तरीके से जो 30 30 स्टेम में पढ़ाई होती है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई रियली वॉन्ट टू ब्रिंग दीज टू स्टूडेंट्स टू द लाइमलाइट। ये थोड़ा छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। धनश्री और भूषण, ये दोनों ट्विंस हैं। इंटरेस्टिंगली इनका अब दिल्ली में तबादला हो गया, मतलब इनका तो इनके पिताजी का हुआ होगा, और ये साथ में लटक के आ गए, ऑफकोर्स आना पड़ा केंद्रीय विद्यालय एंड्रूसगंज में। दोनों ही बच्चे ट्विंस हैं और लगातार इतना सुंदर, एक हमने खिलौना एपिसोड 0 में दिखाया था, मेरे पीछे पड़ा भी हुआ है ये हवा में, अगर मौका मिला तो मैं आज दिखाने की कोशिश।
करूंगा, अन्यथा आप लोगों ने शायद एपिसोड वापस जीरो दोबारा करके देख लीजिए। ये खिलौना बहुत सुंदर है, हवा में ये तैर जाता है, हवा में ये खिलौना, इसके ऊपर एक डिस्क लगा देंगे तो वो हवा में कागज की डिस्क तैर जाती है। सवाल ये था कि किस तरह से ये डिस्क हवा में तैरती है, इतना लंबा जो फिजिक्स का इन्होंने सिद्धांत ढूंढकर जवाब भेजा वो अतुलनीय था। बहुत ही बहुत मजा आया और मुझे कहीं ना कहीं 30 स्टेम से हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपके दिमाग को हम लोग कुरेद कर उसके अंदर उसको ढूंढ ढूंढ कर चीजें निकालने में आप लोग की नजर बदले, यही यही उद्देश्य है, किस तरह से विषय रुचि हो जाए, विषय से आप लोगों को प्यार हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड इंटरेस्टिंगली टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद पाए, हम लोग थोड़ी चर्चा चल रही थी क्या करें, तो हमने ये सोचा कि आज हम जो भी चीजें दिखाएंगे उसके उत्तर नहीं देंगे आपको। तो जैसे हम आपको माचिस की तिल्ली में पाई दिखाएंगे, हम आपको डंडियों में पाई दिखाएंगे, हम आपको म्यूजिक में पाई दिखाएंगे। इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी, लेट्स लुक एट दैट क्वेश्चन राइट अवे, और वो स्क्रीन पे भी ले आता हूँ। बहुत सुंदर सवाल है, वो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा आपकी जिंदगी। वो दूसरा सवाल आपकी, तब तक मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं, आपको हम गोले में पाई दिखाएंगे, आपको हम आपस में लड़ने वाले दो स्क्वायर ब्लॉक्स में पाई दिखाएंगे। ये हमारे मित्र ग्रैंट सैंडरसन, मतलब जिनसे हम काफी प्रभावित हैं ग्रैंट, उनकी माचिस की तीलियों में पाई दिखाएंगे, आर्ट के अंदर किस तरह से आर्ट करिए उसमें पाई दिखाएंगे, कागज में पाई दिखाएंगे, ऑफ कोर्स कैलकुलेटर में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पाई दिखाएंगे, स्प्रिंग के अंदर पाई ढूंढ के दिखाएंगे, और ये जो दो पाइप्स आपको सैनिटरी फिटिंग में लगाते हैं, दो पाइप्स हैं इनको जोड़कर किस तरह से इसमें पाई गायब हो जाता है ये दिखाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम ऐसी ऐसी जगह पाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, और ऐसी जगह हम पाई को गायब कर देंगे जहां पर आपको लगता है यहां तो पाइप है ही, यहां तो पाई होना ही पड़ेगा, ये सिलेंडर है इसमें तो पाई है, और उस सिलेंडर में से ध्यान रखिएगा। बहुत सुंदर तपस भाई ने हमारे ये खिलौना बनाया था, ये देखिए सिलेंडर है, किस तरह से इसमें पाई गायब हो जाएगा ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जुड़े रहिएगा। और अगर कुछ बच गया तो आज से 5 हफ्ते बाद, एग्जैक्टली 5 हफ्ते बाद पाई डे है, दुनिया पाई डे बनाती है 14 मार्च को। इंटरेस्टिंगली 14 मार्च को संडे भी है, तो काफी सारी चीजें हमने पाई डे वाले दिन भी करेंगे। तो दो पाई का हिसाब आज करेंगे और दो पाई का हिसाब बाकी दिन, चार चार पाई पाई का हिसाब करेंगे, तो दो पाई आज दो पाई बाद में निपटा देंगे। पाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और अब चलिए तो जुड़े रहिएगा। मैं आपका ये सवाल आपके स्क्रीन पर शायद आ गया है, किन चीजों में पाई नहीं है, ठीक है जी, किन चीजों में पाई नहीं है, सर्कल, स्फीयर, स्ट्रेट लाइंस, कोलाइडिंग ब्लॉक्स, मतलब जो क्यूब्स, मान लीजिए जो दो क्यूब्स हमने मान लिए ये आपस में टकराते हैं, क्या इनमें पाई है, एंड निटिंग, निटिंग मतलब जो अपन बुनाई सिलाई करते हैं, किन चीजों में पाई नहीं है। चलिए बहुत सारे लोग उत्तर दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ बहुत सारे और लोग आकर उत्तर दें। itempool.com/ccl/live वहां पर जाकर सभी लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो बहुत सही रहेगा। itempool.com/ccl/live जाकर उत्तर दीजिए, कहाँ कहाँ पर पाई नहीं है। चलिए लेट्स सी, एंड कुछ लोग अगर चैट में डालना चाहे तो वहां डाल दे, बाकी लोग itempool पर जाकर देखे तो अच्छा रहेगा। चलिए उत्तर देख लेते हैं, एक उत्तर सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा है, आई वॉन्ट टू सी क्या है वो। ज्यादातर लोगों ने कहा स्ट्रेट लाइन में पाई नहीं है, तो आज की शुरुआत वहीं से करेंगे, स्ट्रेट लाइन में आपको पाई दिखाकर। ज्यादातर लोगों ने कहा स्ट्रेट लाइन में पाई नहीं है, बाकी सब लोग, इनफैक्ट ऑल द आंसर्स आर राइट आंसर्स इन द सेंस दैट सर्कल में पाई है, स्पोक्स में पाई है, स्फीयर में तो ऑफकोर्स है, कोलाइडिंग ब्लॉक्स में, नीटिंग, सब जगह पाई भरा पड़ा है। और आज अब हम और ज्यादातर लोगों को लगा था कि स्ट्रेट लाइन में पाई नहीं है, तो आज स्ट्रेट लाइन में ही आपके साथ पाई दिखाकर सबसे पहले, इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन सबसे इंटरेस्टिंग मुझे यही लगा, और इससे जुड़ी भी मैं बात बताता हूँ किस तरह से हमने, मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने CCL की शुरुआत करी। कहीं ना कहीं यही इसका उद्देश्य भी है, स्ट्रेट लाइन में पाई है लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में आज तक कभी नहीं पहुंच पाए, माचिस की तीली में पाई है। चलिए उससे जुड़ी हुई एक मैं आपको छोटी सी एक फिल्म दिखा देता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये काम आप करेंगे, इसको करने के लिए कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ माचिस की तीली, आपके पास अगर 4-5 माचिस के डब्बे हों
200, 300, 400, 500 की डिग्रियां, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप इससे बहुत ही सुंदर, और ये कहानी 150, 200 साल पुरानी है, पाई का सबसे अनूठा एक्सपेरिमेंट है, माइंड ब्लोइंग। इनफैक्ट दीज आर द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट एवरी चाइल्ड, एवरी टीचर, बिफोर दे इवन डिस्कस पाई, हम पांचवी में पाई पढ़ा देते हैं लेकिन ये प्रयोग नहीं कर पाते। सीधी डंडियों में पाई है, करना क्या है, सीधे जमीन पर पैरेलल लाइंस खींच दीजिए, और कितनी दूरी पर पैरेलल लाइंस खींचिए, जितनी माचिस की तिल्ली है, जितनी इसकी दूरी है उससे डबल लेंथ की बस, और लाइन से रैंडमली गिराते रहिए। नंबर ऑफ स्टिक्स दैट टच द लाइन एंड नंबर ऑफ स्टिक्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टिक्स, मतलब अगर 1000 तिल्लियां डाली तो 314 ही लाइन को छुएंगी, नेचर को कैसे पता चला, ये सोचने वाली बात है। दिस इज वेयर द ब्यूटी एंड मैजिक ऑफ पाई कम्स आउट। How did nature know that 314, 314 टंडियां ही छुएंगी अगर आपने 1000 तिल्लियां डाली। और सबसे मजेदार चीज क्या है, अगर आप करेंगे तो अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रयोग करेंगे, किसी की 314 आएंगी, किसी को 300 आएंगी, किसी को 310 आएंगी, कोई चीटिंग कर लेगा। तो बड़ा सुंदर क्लास में प्रयोग है, इसकी छोटी सी फिल्म देख लेते हैं तो, जो हमारे तपस भाई ने बनाई, और मैं आपको उस फिल्म में ले जाता हूँ तुरंत। लेट्स सी, हाँ चलिए, और ये फिल्म बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, 158 तिली थी और उससे आपकी पाई की वैल्यू 3.16 आ गई। इनफैक्ट इसको अपन करके भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा यहां पर वापस ले जाता हूं आपको। 500 तिलियां थी, 500 तिलियों में 158 तिलियां टच हुई, तो 500 को अगर 158 से भाग दिया तो 3.165 आ गया, और पाई की वैल्यू को अक्सर 3.14 ऐसे बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे तो एरर कितना है, तो कोई बोलेगा भाई 0.02 एरर है आउट ऑफ 3, तो अगर 0.02 एरर था तो यानी 2% कह सकते हैं, 0.02 आउट ऑफ 1:2, और 2% बाय 3 यानी 0.66%। सुंदर, 500 तीलियों से आपने प्रयोग करा और पाई की वैल्यू निकाल दी 0.6% एरर तक ही, और अगर आप इसको 3 गुना ज्यादा बढ़ा देते, अगर आप अपनी तीलियां बढ़ाकर 500 की जगह 1500 कर देते तो और एरर कम हो जाता। सुंदर प्रयोग है, तो पाई का सबसे पहले, और इसको बूफो नीडल भी बोलते हैं। इनफैक्ट मजेदार चीज क्या है वो भी दिखा देते हैं, सीधी लाइन ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि सीधी लाइन की जगह आपकी तीलियां कैसी भी होती, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी कैसी भी तीलियां होती, इसमें भी पाई उतना ही, कितनी तीलियां टच कर रही हैं आपको बस यही पता कराना है, और बहुत सुंदर तरीके से ये आपका उत्तर निकल आएगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इसको बूफो न्यूडल, इनफैक्ट जिस जगह में वो रहते थे उस जगह का नाम, फ्रेंच आदमी थे बूफो जहां पर रहते थे वहां पर उन्होंने, 200 साल पुरानी कहानी है, आज तक हमारी जिंदगी में पहुंची नहीं। इनफैक्ट और भी बड़ी सुंदर तरीके से हम सीधी लाइनों में पाई दिखाएंगे, जुड़े रहेगा। ये मेरे पास एक स्प्रिंग पड़ी है, इनफैक्ट किस तरह से सीधी लाइन में पाई है, गोले में तो पाई हम अक्सर देख कर आए हैं लेकिन सीधी लाइनों में पाई आज हमने पहली बार देखा। नाउ इमेजिन if we leave this question in the minds of our students and children or whatever. चौथी नहीं, पांचवी में जब हम पाई के बारे में बताते हैं, पर circumference by diameter is pi, उसी समय अगर ये प्रयोग दिखा दिया, हम सोचने पर अपने बच्चों को मजबूर कर देंगे कि पाई कहां कहां पर अटका हुआ है, ये सोचने पर नेचर की मिस्ट्री के बारे में, why is this number so interesting, important, जिसके लिए इसको transcendental number बोलते हैं, उसके पीछे की खूबियों के बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे, उत्तर चाहे पता हो कि ना पता हो, और यही कारण से हमने पाई के ऊपर आज प्रयोग करे हैं, और मैं आपको वही सारे प्रयोग दिखाना चाहूंगा। चलिए शुरुआत में आज सबसे पहले, क्योंकि माचिस की तीलियों की ओर बात हो रही है, तो माचिस की तीलियों पर ही बात करते हैं, और आप सभी ने शायद हमारी ईमेल में लिखा हो माचिस की तीलियां ले आए हो, हमने ये 22 नहीं लाए हो तो ले आइए,
हमने क्या करा, ओह ऐसे लग रहा है जैसे फांसी का फंदा मैंने गले में डाल दिया, ऐसा कुछ मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है करने का। ये 22 तीलियां जोड़कर, और कैसे जोड़ी है, वॉल ट्यूब से जोड़ी है, वॉल ट्यूब जानते हैं जो साइकिल की ट्यूब में लगे, 22 तीलियों को जोड़कर एक गोला बना दिया है। 22 तीलियों को देखिए कुछ है तो 22 में तो कुछ खास है, इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ सवाल आपकी तरफ आ रहा है, वो ध्यान रखिए, पहले आप ये क्वेश्चन उसका उद्बोधन सुन लीजिए। सो वी हैव यूज 22 स्टिक्स एंड ज्वाइंट इट टू मेक अ सर्कल। अब ये सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्योंकि ये वॉल ट्यूब फ्लेक्सीबल है ना, तो आप भी ये बनाइए, सभी लोग ये प्रयोग करें, तब ये पाई का इंटरेस्ट सक्सेसफुल होगा। और हमने क्या करा, बीच में जो बीच की दोनों डंडियां थी उसको जोड़कर ये डंडी लगा दी, और ये देखिए मेट्रो का साइन बन गया, बहुत बढ़िया। जो दिल्ली वाले हों या कहीं और के, वो देख सकते हैं, इसमें हम अच्छी तरह से जोड़ भी देते हैं माचिस की तीली। और ये देखिए अब थोड़ा सा ये गोला लचीला कम हो गया क्योंकि इसके बीच की एक ये इसको अगर हम बोल दें तो ये डायमीटर बना दी। सवाल ये है कि इसमें अगर हमने इस गोले में जितनी पॉसिबल स्पोक्स है, इसको साइकिल का पहिया अगर मान लें, 22 तीलियों का साइकिल का पहिया, तो कितनी स्पोक्स चाहिए इसको बनाने के लिए, ये आपका सवाल है। क्या सवाल है, अगर ये हमारा साइकिल का पहिया है तो इसको बनाने के लिए कितनी जितनी पॉसिबल स्पोक्स हैं कितनी तीलियां चाहेंगी इसकी स्पोक्स बनाने के लिए। और आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया है, itabool.com/ccs/live, सर्कल हैज बीन मेड विद 22 मैचस्टिक्स, हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू जॉइन ऑल द डायगोनल्स, बोल सकते हैं डायमीटर बोल सकते हैं साइकिल की स्पोक के सारे, और बहुत सुंदर है, बनाइए जरूर, बनाइए जरूर। आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज टू मेक श्योर दैट यू यूज दीज मैचस्टिक्स एंड देन मेक दिस मेट्रो का क्या कहते हैं, और टोपी भी बन गई है तो बढ़िया टोपी है, मेट्रो का ये क्या कहते हैं निशान है, और अगर आप सारे स्पोक्स बनानेंगे तो और बहुत सुंदर लगेगा, देखिएगा बिल्कुल इधर उधर भागेगा नहीं, कितनी स्पोक्स। चलिए देख लेते हैं उत्तर क्या है, लेट्स लुक एट द आंसर। काफी सारे, एक उत्तर सबसे ऊपर भाग रहा है, आई एम होपिंग, और बाकी सारे भी उत्तर पास पास ही है, कोई 72 77। हाँ सबसे ज्यादा जिन लोगों ने उत्तर दिया था वो सी, सात, सात नहीं भैया और काफी सारे लोगों ने डी, नेक्स्ट बेस्ट आंसर वो 78 व्हिच इज व्हाट इज द राइट आंसर। सो आई होप यू नो एंड लेट मी जस्ट टेक अ मिनट टू क्लैरिफाई व्हाई 78 इज द राइट आंसर। लेट मी जस्ट और ऐसे ही समझा सकते हैं, देखिए 22 तीलियां थी, 22 तीलियों का था, और 22/7 पाई मतलब 22/7, तो अगर 22 तीलियों का सर्कल है ये तो जो डायमीटर होगा इसमें 7 तीलियां होंगी, 22/7 दिस इज द रेशियो, मतलब पाई का रेशियो काफी करीब 22/7 के रहता है, तो ये हो गया। और ऐसी ऐसी 11 स्पोक्स बनेंगी, क्यों, हर ये 11 पॉइंट्स इधर हैं और 11 ही पॉइंट्स इधर हैं, 22 को 2 में भाग दे दे तो 11 11 पॉइंट्स जुड़ जाएंगे, तो आप सा ऐसी 11 स्पोक्स बना पाएंगे, हर स्पोक में 7 तीली, तो 77 तीली, 77 इज व्हाट मैच स्टिक्स यू विल नीड टू मेक ऑल दिस स्पोक्स, सो 22/7 77। चलिए बहुत सुंदर, तो माचिस की तीली को देखकर हमने देखा कि किस तरह से और अब आई थिंक विच इज वाई आई वॉज थैंकिंग आर कॉलीग नील धारा, बहुत ही सुंदर चीज भेजी कल रात को जिसको देखकर दिल द्रवित हो गया, मुझे लगा कि पूरे एपिसोड को अगर आप इतनी सी बात देख लें तो बस आई थिंक आज का एपिसोड सफल है, और आज की जो हम कहना चाहते हैं वो चीज सफल है, वो पूरा मर्म इस छोटी सी बात में, इस बात में नहीं कि हम चारपाई पे ही आए थे और चारपाई पे ही जाएंगे और जिंदगी भर चारपाई ही कमाते रह गए, और चारपाई की बात हो रही है तो मैं दिखा भी देता हूं, इनफैक्ट चारपाई को चारपाई इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर चारपाई है। लेट्स लुक एट दैट, मैं इसमें कोई खेल नहीं करना चाह रहा आपके साथ, बट और उसके बाद मैं नीलधारा वाली बात पर आऊंगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर चारपाई है, द रीजन वी कॉल इट चारपाई इज बिकॉज चारपाई यहां पर बैठी है, कौन सी, एक तो ये पाई, एक इधर से देखिए तो ये वाली, इसको लाल रंग में दिखा देते हैं, ये वाली पाई, एक पाई वहां पर है, एक यहां पर, इसी के पीछे तीसरी वाली है और इसी के पीछे चौथी वाली, तो एक यहां पर है, दो यहां पर, तीसरी यहां पर और चौथी यहां पर, चार पाई, दैट इज वाई वी कॉल इट चार पाई, चार पाइयां हैं, चार पाई है, ये इधर से इधर से इधर से, इनफैक्ट द अदर मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी फाउंड वॉज दैट चार पाई को यूज करके, यूजिंग फोर पाइज, एक दो तीन और चार, चार बायर पाई का इस्तेमाल करके आप कोई भी नंबर, इसमें लिख देता हूं, एनी नंबर,
एनी नंबर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग 4 पाई, 4 पाई, इसीलिए इसको 4 पाई बोलते हैं। 4 पाई से कितने भी हमारा ये मैं थोड़ा सा यहां पर भी रख देता हूं, 4 पाई को इस्तेमाल कर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। वेरी इंटरेस्टिंग, पीपल हैव प्रूव्ड दैट यूजिंग 4 पाई, इनफैक्ट 4 पाई के ऊपर इसलिए प्रयोग करना बहुत जरूरी है। भारत से ही, यहाँ कोई कह सकता है कि भारत से ये प्रयोग चालू हुआ, 2 मिनट की अगर हिस्ट्री देखना चाहें, और पाई से कुछ लोगों को लगता है कि पाई का इस्तेमाल तो गणित में ही होता है, नहीं, पाई इज समथिंग दैट एग्जिस्ट इन द नेचर एवरीवेयर अराउंड, ऑल अराउंड अस, हमें बस आंख खोलकर देखने की जरूरत नहीं है, गणित में नहीं, विज्ञान में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। अगर यहां पर आप देखना चाहें तो ये देखिए, बेसिक चीजों में द कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट हैज पाई, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज पाई, आइंस्टाइन की ग्रेविटेशनल रिलेटिविटी थ्योरी में पाई है, और ये कुलम्स फोर्स में पाई है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में पाई है, ऑफ कोर्स जब हम वो निकालते हैं अपना पेंडुलम का एम्पलीट्यूड, उसमें पाई, तमाम जगह विज्ञान की सब तरीकों की चीज़ों में पाई पड़ा है, सिर्फ ये नहीं कह सकते गणित में पाई है। और भारत में तो कब से पाई चला रहा है, 4 पाई से पाई चला रहा है, बट टू बी यू नो, नॉट टू प्ले पन ऑन द वर्ड्स, लाइफ ऑफ पाई, ऑफकोर्स आज हम कह रहे थे कि भाई लाइफ ऑफ पाई के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये रहा हमारा लाइफ ऑफ पाई, Life of Pi. I hope you have seen this movie. If not, maybe you can. शेरो शायरों में पाई है, शिकायतों की पाई पाई जोड़कर रखी थी उसको गले लगाकर, सारा हिसाब खत्म कर दिया, गले लगा लिया, सारा शिकायतें खत्म हो गई। And then what I wanted to show you was this. सबसे पहले, हजारों साल पहले भारत में पाई की शुरुआत आर्यभट्ट के उससे हुई थी, जिन्होंने 5 डिजिट तक पाई की वैल्यू की खोज करी। उस समय इतनी जरूरत नहीं थी कि और आगे तक खोज, उसके काम को आगे बढ़ाया माधव ने, केरला स्कूल के जो फाउंडर थे माधव, उन्होंने ये काम करा, उन्होंने ये सीरीज निकाली। इनफैक्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पाई वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया, भारत में इनफाइनाइट सीरीज की खोज कहते हैं, और इसको लीबनिस सीरीज भी बोलते हैं। लेकिन लीबनिस से कितने ही साल पहले, करीब 300-400 साल पहले माधव ने, तो आज की तारीख में इसीलिए माधव लीबनिस सीरीज बोलते हैं, 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7, इसको इनफाइनाइटली अगर आप करते रहेंगे तो पाई की वैल्यू, पाई बाय 4, और ये दूसरा इनफाइनाइट सीरीज भी माधव ने ही निकाली थी। ये मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, लीबनिस माधव सीरीज, एंड इनफैक्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पाई वॉज डन बाय दिस पर्सन कॉल्ड रामानुजम, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा। इतना आप कोई कल्पना करें कि इतने मुश्किल जो इन्होंने पाई का फॉर्मूला दिया, आज भी लोग पाई की वैल्यू सबसे फास्ट तरीके से निकालने के लिए रामानुजम की सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। और ये पाई हमारी करिकुलम में नहीं पहुंचा है, भारत से शुरू हुआ, भारत में जाकर सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्मूले पाई के आए, और पाई अभी तक हमारी इंटरेस्टिंग चीज पाई हमारी के करिकुलम में नहीं आया। इसीलिए हमें लगा कि पाई के ऊपर ये प्रयोग करना चाहिए, ताकि वापस से इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट पाई गेट स्टार्टेड, यू नो, our children, our students, our teachers start to think about the most interesting things about pi, and then those things can happen in the curriculum. Ab main jiski baat karna cha raha tha wo aapko batata hu, aur mujhe lagta hai sabse mahatvapurn cheez hai, aur main uske liye ek aapko prayog dikhata hu. sabhi ko malum hai ki gole mein pi, in fact main gola apna le leta hu, maine aapke liye matlab taiyar karke rakha tha, kuch nahi hai, sadharan sa gola hai, गोले में एक पेन, यहाँ पर ये एक्चुअली टेप है, टेप गोले में ही है, और इसके ऊपर पेन लगा दिया, स्केच पेन लगा दिया, और इसके ऊपर हम आपको प्रयोग करके दिखाएंगे, बहुत सुंदर प्रयोग है। तो क्या है पाई की परिभाषा, क्या है पाई की परिभाषा, है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है और इसका जो बीच में अगर डंडी खींच दे डायमीटर, उसका रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, 3 के आसपास होता है, राइट, दैट रेशियो 3.1422/7, इट इज एक्चुअली अ नंबर विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन एनी नंबर ऑफ डिजिट, इट हैज बीन प्रूवन। पाई को आप कितनी भी इनफाइनाइटली कितनी भी डिजिट्स ले लें, उसमें कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट इज यू नो, एंड ऑफकोर्स बहुत सारे और भी नंबर हैं, बट पाई की एक और भी काफ़ी सारी खासियतें हैं, वो पाई की चर्चा अगले दूसरा पाई का हिसाब जब होगा तब करेंगे, अभी के लिए ये मानकर चलते हैं पाई को हम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इस गोले में पाई है। लेकिन अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, गोले में पाई तभी है जब तक इस गोले में ये स्थिर है, स्टैटिक है, इस गोले को अपन आप चला के देखते हैं। तो चलिए उसके लिए मैं ये कागज ले लेता हूं और इसको ओवरहेड में ले जाकर आपको इस गोले के ऊपर चलाकर दिखाता हूं, बहुत सुंदर। चलिए ये आई विल स्विच माई ओवरहेड कैमरा, ये लीजिए, और ये आ गया, और इसको अब हमने क्या करा, यहाँ पर
इस कागज को लेकर यहाँ पर रखा और इस टेप को बस चला देंगे यहाँ पर, ये किताब के ऊपर रख दिया और ये कागज घुमा दिया, देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं। ओह ये तो बाहर भाग गया, इसको और इधर ले आते हैं और एक और कागज लगा देते हैं। एंड लेट्स पुट वन मोर पेपर हियर एंड देन अपनी ये भी हटा दी और इसका काम पूरा कर दिया। तो ये हमारा एक साइक्लॉयड बन गया। इस चित्र को पास से अगर देखें, दिस होल थिंग, और इसको अब जरूरत नहीं है, क्या करा हमने सिर्फ, ये चित्र कब बना, जब ये गोला चल भी रहा था और घूम भी रहा था, एक पूरा इसने चक्कर लगाया और इसने जो चीज बनाई इसको साइक्लॉयड बोल दिया। तो इतनी पूरी चित्र को अगर यहां से यहां तक हम देखें तो ये पूरी चीज साइक्लॉयड है, इसको बोलते हैं साइक्लॉयड। क्यों बोलते हैं साइक्लॉयड, क्योंकि ये जो गोला है ये चला भी, ये गोल गोल एक चक्कर जब इसने लगाया तो दिस इज द पाथ ऑफ द पॉइंट, एनी पॉइंट, यहां पर मैंने पेन लगा दिया था, एक पॉइंट का पाथ है। और इतनी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इसके चारों तरफ अगर ये घुमा दें तो ये सरकमफ्रेंस होता है, दिस इज सरकमफ्रेंस। और इसकी हमें पता है क्या बोलते हैं हमने इसको, 2π r। और अगर रेडियस को अगर हम मान ले 1 है तो ये कितनी हो गई पूरा, ये सरकमफ्रेंस इज 2π। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच वी फाउंड एंड विच आई गेस मे बी सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो, इसकी लंबाई अगर आप बताएं, ये देखने में सर्कल लग रहा है लेकिन सर्कल नहीं है, ये क्या है शेप, ये शेप वो है कि जब गोला घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, और इसकी लंबाई, इसकी पूरी अगर लेंथ निकालें तो ये 8 है, ये लगभग 6.14 है, मतलब इसमें पाई है लेकिन इसमें साइक्लॉयड में पाई गायब हो गया। दिस आई थॉट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आई फाउंड। गोले में पाई है लेकिन गोला जैसे ही चला उसमें जो पॉइंट मिला उसमें पाई गायब हो गया, रास्ते में पाई लुढ़क गया, पाई गोले में स्थिर, गोले में पाई था, गोले ने चलना चालू करा, पाई रास्ते में लुढ़क गया। आई थॉट दिस वॉज द वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स, बट इट इज नॉट समथिंग दैट आई डिड नॉट नो दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई जस्ट न्यू इट यू नो लास्ट वीक, मुझे पिछले हफ्ते ये बात पता चली और मुझे लगा कि इस तरह की बातें जब तक हमारे बच्चों के कानों में या हमारे टीचर्स के कानों में नहीं जाएंगी, जब तक इस तरह की चीजें हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आएंगी। द अदर थिंग दैट आई वॉज ट्राइंग टू से वॉज दैट इसमें तो पाई, जब स्थिर गोला था तो पाई था, चलने लग गया तो पाई रास्ते में लुढ़क गया। उसी तरह इलिप्स के, जब कोई भी इलिप्स अंडाकार शेप है उसका जब हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो उसमें से भी उसके सर्कमफ्रेंस में से भी पाई गायब हो जाता है। बड़ी सुंदर चीजें हैं, बड़ी सुंदर चीजें हैं, रोचक चीजें हैं। उससे प्लेग्राउंड में पाई कैसे करना है वो आज आप जुड़े रहिए, दिखाएंगे बहुत सारी चीजें। इनफैक्ट वो अगर मैं उसकी मैं चित्र दिखा देता हूँ आप लोगों को, बहुत सुंदर चित्र है ये, हमारे साथी लोगों ने ये जमीन में, ये मट्टी में खेलकर अलग अलग जो चीजें जो बनाई हैं इसके अंदर आपको पाई ढूंढने की और दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा, बहुत सुंदर प्रयोग हैं ये। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह के प्रयोग जब हमारी क्लासों में, जब हमारे स्कूल में होने लग जाएंगे तब असली मजा आएगा, तब इस प्रोग्राम की अगर हम कहें कहीं ना कहीं सार्थकता है। किस तरह से हमारे बच्चों के हाथों में अगर ये स्प्रिंग, ये साधारण सी स्प्रिंग है, ये साधारण सी स्प्रिंग है, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि पाई का इस्तेमाल गोले में होता है, तो आज आपको चलिए ये दिखाकर, इसका नंबर आ गया है तो ये करके दिखाते हैं और फिर आप लोगों को, और पता आपको करके बताना है कि भाई क्यों क्यों हुआ ये आपको बताना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये इसको करना क्या, ये साधारण सी एक स्प्रिंग है, इसको स्पाइरल भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी नाड़ा चढ़ा दिया ताकि इसमें रंग सूख जाए, और इसको मैं ये कलर्ड पानी में भिगो देता हूँ। ये मैं देखिए कलर्ड पानी मेरे पास है, ज्यादा इसके साथ नहीं खेलेंगे अन्यथा ये मैंने पूरा इसको कलर्ड पानी में भिगो दिया है, होपफुली ये भीग जाएगा। और मैं थोड़ा सा इधर रख कर ये प्लेट,
चलिए, जब तक आपका सवाल आएगा तब तक मैं इसको पानी में भिगोने की कोशिश करूंगा, अभी के लिए रुक जाते हैं। पानी में भीगने में दिक्कत हो रही है। चलिए, तो उसके पहले आपको एक पाई का जादू दिखा देते हैं, एंड 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 वंस दैट हैपेंस देन वी कैन, बाय द टाइम आई कैन गेट दैट वाटर फिल्ड इन दिस। चलिए, पाई का जादू दिखाने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक साधारण सा कैलकुलेटर होना चाहिए। क्या करेंगे आप, एक कैलकुलेटर ले लीजिए, साधारण सा कैलकुलेटर है, और इसके अंदर हम सिर्फ पाई का मजा दिखाएंगे आपको, जादू, ऑलमोस्ट लाइक अ जादू। और वो कैसे दिखाएंगे, आज तारीख 7 है, तो मैं इसको पहले ओवरहेड ले जाता हूँ। आपको ये कैलकुलेटर आई एम होपिंग दिख रहा होगा, इसको अपन ऑन कर देते हैं, तो कैलकुलेटर नजर आ रहा है, ये पास में ले गए, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस कैलकुलेटर में साइन दबाएंगे अपन, साइन साइन, ये साइन आ गया, और 1/1/5 लिखने हैं, कितनी बार 5 लिखने हैं वो आप देख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज 7 तारीख है तो 7 बार लिख देते हैं, आप ज्यादा बार लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आज 7 तारीख है, 7 बार पाई लिख दिया, और ब्रैकेट बंद करा और इक्वल टू दबा दिया। देखिए क्या करा, साइन ऑफ 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार 5, वाह। अब देखिए क्या हो गया, ये पाई की वैल्यू 3.14159 अपने आप, और 1/5555 लिख दिया। क्यों ऐसा हुआ ये आपको दिखाना है, मैं आपको फिर से दिखा दूं, साइन की वैल्यू क्या आ गई, साइन ऑफ 1/5, जितनी बार आप ज्यादा 5 लिखेंगे उतनी बार। और जब मैंने ये देखा तो भौचक के रह गए, हमने कहा बड़ा सुंदर, लेकिन इसके पीछे क्या इसका राज है वो आपको देखकर सीखना और समझना और बताना पड़ेगा क्या राज है। साइन ऑफ 1/5555, जितनी बार आप 5 लिखेंगे आंसर आपका 3.14159, और ऑफ कोर्स 10^-2 क्यों आ, कुछ आता है, क्यों आता है ये आपको ढूंढकर बताना है। अगर मैं इसको छोटा सा हिंट दूं, आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट फॉर 5 वीक्स, सो दैट द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी डू द पाई थिंग ऑन पाई डे आपके पास भी उत्तर सुरक्षित हो। ऑफ कोर्स ये होमवर्क में भी शायद हम डाल रहे हैं, हमारे आशुतोष भाई ने शायद डाला है। तो अभी आपको क्या करना है, ये देखना है कि पाई साइन ऑफ 1/5555 ये जब डाला तो इसमें पाई कैसे आ गया, कैसे पाई आ गया। इनफैक्ट इसका छोटा सा अगर हम हिंट दें तो बहुत कम, और दिखाएंगे हम साइन वेव जब बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। साइन जब छोटी एंगल का होता है तो साइन ऑफ द एंगल एंड द एंगल इज एक्चुअली इक्वल, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज वेरी स्मॉल, जब बहुत छोटा कम हो एंगल बहुत, और 1/5555, इसीलिए मैंने बहुत बार 5 लिखा था, बहुत बार। तो इसके कारण वो पाई कैसे आ गया ये आपको ढूंढ के बताना है। I will just give you the hint that sine of very छोटा angle is always is equal to the angle very close, है ना, क्योंकि वो जो उसका स्लोप है वो 45 degrees है, जो लोग थोड़ा सा वो वाली बात समझ रहे हो, बट अभी के लिए ये मान लेते हैं अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन ऑफ द एंगल इज सेम एज द एंगल, तो इसीलिए साइन ऑफ 1/5 ऐसे बहुत सारे लिख दिए तो ये। लेकिन 5 के लिए होता है, आप 6 के लिए ट्राई करिए नहीं होगा, 7 के लिए करिए नहीं होगा, 8 के लिए करिए नहीं होगा, तो क्यों 5 के लिए होता है ये आपको ढूंढ कर बताना है, क्यों 1/5555 में पाई कहाँ बैठा छुपा हुआ है ये आप ढूंढ कर बताएंगे। और आपके पास 5 हफ्ते हैं, 5 हफ्ते। चलिए, सो तो ये हो गया, और अब इससे जुड़ा हुआ एक और बहुत सुंदर सुंदर चीज है, दूसरा सवाल आप लोगों के पास आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, मैं आपको बहुत कुछ अंक दिखाऊंगा। तो पाई हमने देखा किस तरह से डंडी में है, सीधी लाइनों में है, किस तरह से सर्कल में है पर नहीं है, सर्कल को घुमाया तो गायब हो गया, कैलकुलेटर में 1/5555 में आ गया, और अब आपके सामने आ रहा है कि ये जो नंबर्स हैं, ये आपके सामने ये नंबर आ रहे हैं, ये देखिए, इनफैक्ट म्यूजिक में किस तरह से पाई है ये आपके सामने आ रहा है, बट उसके पहले एक छोटा सा सवाल उससे जुड़ा हुआ, आई थिंक इट इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ दीज नंबर्स इज पाई। ऑफ कोर्स सभी लोग बोल रहे हैं कि पहला 3.14159 ये वाला है, और बाकी काफी सारे और नंबर्स हैं 3.124 वैसे ऐसे, और तब तक आप लोग ये सवाल दीजिए, मैं उसकी स्प्रिंग में पानी भर लेता हूँ। Thank you.
चलिए उत्तर देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने उत्तर बैठाने की कोशिश करी, ई ऑल ऑफ देम आर बाई, ज्यादातर लोगों ने यही बोला, काफी सारे लोगों ने ए बोला, विच इज गुड ऑफ कोर्स, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लोगों ने ये बोला तीन, ओ ये तो फोटो खींच लेनी चाहिए, बहुत सुंदर 314 लोगों ने ए बोला है, इससे ज्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। देखिए इसका मतलब 30-30 टाइम के अंदर कुछ खास बात है, और आप जैसा मैंने आपको बोला था, जुड़े रहिए, जिन लोगों की शादी हो गई है हम आपको प्रूव कर देंगे कि आप लोग लाखों में एक है कि नहीं है, आपकी जोड़ी लाखों में एक है कि नहीं है, जुड़े रहिएगा लास्ट में, बिल्कुल एंड में ये बताएंगे। तब तक ध्यान रखिए 314 लोगों ने बोला कि बहुत सुंदर, 314 लोगों ने बोला कि 3.14 है, बहुत सुंदर। ठीक है चलिए, ऑफ कोर्स द आंसर इज दैट ये सारे अंक ही, ऑल दीज आंसर्स आर पाई, ऑल ऑफ देम आर पाई। ऑफ कोर्स सबसे पहले वाला है वो बेस 10 में है, पाई एक अंक है, और मैं इसका म्यूजिक चलाऊंगा अभी, पाई एक अंक है, और सेकंड वाला जो है बेस, पहला वाला बेस 10 है, दूसरा वाला बेस 9 है, तीसरे वाला बेस 8 है, दूसरे वाला बेस और जो लास्ट वाला है बेस 7 है, 3.0663651143206031। तो आज मैंने आपके लिए यही म्यूजिक बजाया है, दिस इज दिल की नजर, मैं इसको बंद कर देता हूं, एंड दिस इज द म्यूजिक दैट इज गोइंग टू प्ले। अब आपके पास जो म्यूजिक चल रहा है ये पाई का म्यूजिक है, ध्यान से सुन, सुंदर 3.0663651432036। ये पाई है, आपको इसके अंदर पाई सुनाई दे रहा है, दिस इज 7 नोट्स, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सात नोट्स जो है, ये सातों नोट्स यहाँ पर आपके सामने बज रहे हैं। पाई एक नंबर है जिसको हमने बेस 7 में लिख दिया, और फिर इसके सामने आपके सामने enjoy करिए, please enjoy pi, this is the music of pi that is playing for you, आज सुबह ही हमने बनाया था, और आप लोग अलग अलग म्यूजिक बना सकते हैं, of course, अगर pi को बेस 7 में डालें, pi को अगर आप बेस 7 में डालेंगे तो एक सेकंड, शायद कोई तकनीकी प्रॉब्लम है। हाँ गौरव क्या कह रहे हैं, जो भी था ये नंबर जो आपके सामने हमने प्ले करके बताया 3.036, ये पाई का म्यूजिक था। ऑफ कोर्स मुझे लग रहा था कि आवाज ज्यादा हो गई और मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, तो उसको हमने सीन चेंज कर दिया। ठीक है चलिए, बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपके सामने क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि म्यूजिक तो हमने दिखा दिया, आर्ट में किस तरह से पाई है ये हमारे जय भाई ने करके आज दिखाया था, और इसको दिखाने के लिए मैं आपको, बहुत सुंदर, दिस इज एक्चुअली दी ओपनिंग स्लाइड and I want to play it to you right here, this is the best thing that you know we have done here right here, please see, please enjoy the art of pi right here, digits of pi which are right there in front of you, ये 1500 digits हैं pi की, और इसमें अगर मैं आपको बताऊं हमने करा क्या, हमने सिर्फ ये करा कि यहाँ पर हमने इसको, मुझे याद नहीं कहाँ से हमने जीरो मार्क करा था, इसको हमने जीरो बना दिया, इसको वन बना दिया, इसको टू बना दिया, इसको थ्री बना दिया, इसको फोर, और इस तरह से पूरे सर्कल को 10 भागों में बांट दिया, एंड इफ इट इज 3.14 व्हाट वी डिड वाज, हमने क्या करा, तीन से लेकर चार तक एक
लाइन खींच दी, ओ सॉरी ये मिटा देता हूँ, 3.14, 3 से लेकर यहाँ से चालू करें 1, फिर 1 से लेकर 4, फिर 4 ऐसे इस तरह से, 4 से लेकर वापस 1 में जाएगी, 1 4 1 5 9, 1 के बाद यहाँ 5 में आएगी और उसके बाद 9 में चली, इस तरह से कुछ लाइनें बनाएं और देखिए क्या सुंदर चित्र बनता है, क्या सुंदर चित्र बनता है। दिस इज व्हाट पाई इज, ये मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊं तो ये पाई है, क्या लगता है, क्या लगता है कि ये, क्या लगता है कि ये पाई है। और इस तरह की चीजें हम बिल्कुल कर सकते हैं, ये हमने बेस 1500 डिजिट्स करी, इसको आप बड़े अलग तरीके से, इसमें आप बेस 12 में भी कर सकते हैं, बेस 10 में कर सकते हैं, बेस 9 में, सुंदर चीज है। आर्ट और मैथ का इंटीग्रेशन और साइंस का इंटीग्रेशन, स्टेम का इंटीग्रेशन यहीं पर है, सुंदर चित्र है। और कल्पना करिए इस तरह की आर्ट अगर हम खुद बनाने लगे, ये तो कंप्यूटर ने बनाई है बट ये बिल्कुल सरल तरीके से 1500 डिजिट्स ऑफ पाई आप आराम से रंग बिरंगे धागों से बनाइए, क्या सुंदर आर्ट बनती है। इस तरह की आर्ट, इस तरह की आर्ट जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, क्यों ना हमारे स्कूलों में बने, क्यों ना हमारे घरों में इस तरह के आर्ट पीसेस टंगे, तब हम कह पाएंगे कि हमारा फील्ड मेडल हमारे, देन वी आर रियली पैशनेट एक्साइटेड अबाउट द मैथ एंड द पाई दैट इज सिटिंग इनसाइड इन द यू नो। तो ये जज्बा अगर हमारे अंदर आएगा, दैट इज व्हेन आई थिंक यू नो वी विल फील दैट 30-30 का उद्देश्य, कहीं ना कहीं हमारी लैब का उद्देश्य, अगर हम कहें कि CCL IIT गांधीनगर में हम जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ यही कर रहे हैं कि विषय के प्रति हमारा नजर, हमारी नजर बदल जाए, जब नजर बदलेंगे तो नजारे अपने आप बदलेंगे, द रिजल्ट्स विल बी सीन। I think that is what is required for us to sort of get there. जो हमें इस तरह से अगर हम प्रेरित कर पाएं तो बिल्कुल फील्ड्स मेडल हमारे बच्चों के हाथ में आएगा। ऑफ कोर्स फील्ड मेडल 40 साल के पहले तक के लोगों को मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। और अब दो चीज़ें मेरे पास दिखाने के लिए जो थी, मैं सोच रहा हूँ जितना समय है उसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने आपको कहा था स्प्रिंग को ले आता हूँ, उसको मैंने पानी में भिगो दिया है, और पानी में मतलब रंग बिरंगे पानी में भिगो दिया है, एंड होपफुली इसके ऊपर कलर दिखाई देगा, सफेद। चल इसको मैं ये वाला हटा देता हूं और आपके पास ओवरहेड में ले चलता हूं। मैंने क्या करा है, ये साधारण सी स्प्रिंग को एक पाइप में लपेट दिया है और इसको रंग बिरंगे पानी में, रंग बिरंगा नहीं रंगीला पानी, फूड कलर है, इसमें डबो दिया है और देखिए क्या होता है। आपको क्या लगता है, इनफैक्ट दैट इज द क्वेश्चन दैट शुड कम ऑन योर स्क्रीन, आपको क्या लगता है कि जब इसको मैं जमीन पर रखकर रोल करूंगा तो क्या बनाएगा, क्या होगा, जमीन पर रखकर जब मैं इसको रोल करूंगा तो जमीन पर, धरती पर क्या चित्र बनेगा, ये आपको बताना है। यू हैव टू टेल व्हाट इज इट दैट विल बी फॉर्म्ड व्हेन आई रोल दिस ऑन द ग्राउंड ऑन 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 यू नो दिस पेपर। चलिए ये आपके पास स्क्रीन में सवाल आ रहा है, तब तक मैं 2 मिनट की ब्रेक, पानी पी। जाकर इस तरह की चीजों से बनाकर देखिए क्या चीजें बनती हैं, एंड दैट इज वेयर आई थिंक द
लर्निंग विल हैपन व्हेन वी डू दीज इंटरेस्टिंग थिंग्स. इनफैक्ट द रीजन आई वांट टू शो यू, ये पहली चीज है. इसके बाद जो तीन चीजें और करी वो हमने ग्राउंड में हमारे सारी तपस और जैन जो मिलाकर करी, बहुत सुंदर थी, दिमाग को बिल्कुल खोल देने वाली चीजें, और वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा. तो चलिए देखते हैं, ओवरहेड में ले चलता हूँ. क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल ये आपके सामने ये रख दिया, ये कागज सफेद कागज, नीले कागज में वो दिख नहीं रहा था तो इसलिए कागज चेंज कर दिया. कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको ये दिखाई दे. यहाँ पर हम इसको रोल करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल सीधा रख दिया और इसको अब हम रोल कर देंगे. सुंदर, दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ये, और यहां पर मैं सीधी एक रेखा अगर खींच दूं तो ये देखिए तिरछी पैरेलल लाइंस हैं. और यही काम अगर हम इससे करें, ये क्या है, ये अगर मैं सीन चेंज कर थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूं, ये बिल्कुल एक पाइप पे सिर्फ दो चक्के पहना दिए, वन पाइप एंड टू सर्कल्स अराउंड इट, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इसको भी अगर हम चलाएंगे तो क्या बनेगा, और इसको यहीं रखकर चलाते हैं यहाँ पर साइड में, इसको थोड़ा सा देखिए क्या होता है. इसको जब आप चलाएंगे तो ऑफ कोर्स इसमें भी सीधी लाइनें ही बनेंगी, लेकिन ये सीधी वर्टिकल लाइंस हैं और वो वाली तिरछी लाइंस हैं, और इसके अंदर पाई छुपा हुआ है. इन्हीं चीजों के अंदर पाई छुपा हुआ है. ये यहां पर रख देते हैं ताकि आप लोगों को दिखता रहे कि ये क्या है. और मेबी दिस साइड, ठीक है, चलिए. एंड व्हाट आई वांट टू शो यू इज दैट, In fact, you have to find out where is the pie, or maybe this one maybe we will do for you. Okay. तो ये जो आप देखिए स्प्रिंग, आपने जो देखी यहाँ पर जो स्प्रिंग थी, ये इसको जो हमने चलाया तो ये तिरछी लाइनें बनी है, सीधी नहीं बनी है. This distance, ये जो दूरी है, ये दोनों के स्प्रिंग के बीच की दूरी है. इसको अगर हम कुछ भी मान लें, इसको अगर एक सेंटीमीटर मान लेते हैं, एक सेंटीमीटर, और यहाँ से जब हम सीधी लाइन खींच देंगे, राइट, यहाँ से सीधी लाइन, तो ये दूरी, दिस डिस्टेंस अगर आप इसको 90 डिग्री मान लें, ये दूरी 2πr है, और अगर r हमारा 1 है तो ये दूरी 2π. ये जो तिरछी लाइन बनाई, इन तिरछी लाइनों के बीच की दूरी, ये 2π, इसमें पाई आप, सीधी लाइनों में पाई है ये, इस स्प्रिंग में पाई नहीं है, स्प्रिंग के गोले में पाई था, लेकिन ये गोला तिरछा है, और जब ये जमीन पर चला तो उन जो दो पैरेलल लाइंस बनी उनके बीच की वर्टिकल दूरी, अगर उसको बोले समान पैरेलल परपेंडिकुलर दूरी जो थी वो 2π. दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. और आपको ये प्रूव करके बताना है, ये सारी चीजें आप लोग प्रूव करके बताएं, आपके पास 5 हफ्ते हैं कि क्यों ऐसा है. इनफैक्ट मैंने प्रूफ नहीं बताया आपको, मैंने बता दिया कि इसमें पाइप छुपा हुआ है, स्प्रिंग के अंदर पाइप छुपा हुआ है, यही स्प्रिंग. अगर आप और बहुत सारी चीजें हमने बनाई, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको फिल्म भी देख पाए, अलग अलग तरीके की चीजें बनाई. ये देखिए एक, और ये आप बिल्कुल आराम से देखेंगे, इसमें क्या करा, उसी पाइप में हमने गोले सर्कल्स तिरछे लगा दिए. अब इसको बनाएंगे, जमीन पर चलाएंगे तो क्या होगा, यही चीज को हमने एक एलिप्स लिया. ये देखिए एलिप्स है, देखने में यहां से देखेंगे तो एलिप्स, सीधे सामने से देखेंगे तो कुछ गोला है, ये एलिप्स है, ये जो चक्के हैं ये एलिप्स है, ये एलिप्स भी तीन लगा दिए, इसको जमीन पर चलाएंगे तो क्या होता है. और फाइनली एक और चीज थी, वो ये भी हमारी ये क्या थी, ये जो पतंग उड़ाने वाली चरखी है, इसके ऊपर यही स्प्रिंग थी, लेकिन आधी स्प्रिंग है, यहां से चालू हुई और आधा जब चक्कर लगाया तो उसको तोड़ दिया, और फिर बचा हुआ दूसरा आधा चक्कर उल्टा लगा दिया, यहां से चालू करके आधी स्प्रिंग ऊपर तक ले गए और फिर बचा हुआ चक्कर आधा लिया. इसको जब चलाएंगे तो क्या होगा, ये भी आपके लिए आइटम रूल पर सवाल था, बट इसके सवाल की जगह अपन जो है आपको ये आखिरी जो मैं चीज दिखाना चाह रहा था वो दिखा देते हैं. बहुत ही सुंदर प्रयोग है, हमारे साथी लोगों ने करा, ध्यान से देखिए और मजा लीजिए इसका, देखिए क्या होता है. सर्कल ऑन अ सिलेंडर, चलिए
इनफैक्ट ये चित्र भी बहुत सुंदर है, आप कल्पना करिए इस तरह के डिजाइन अगर हमारे स्कूलों में बनने लग जाएं तब क्या मजा आएगा। और ये अगर मैं चित्र दिखाऊं, ये वाला चित्र सुंदर, बहुत सुंदर चित्र है ये, इनफैक्ट यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, बहुत सुंदर। इस तरह के चित्र जब हमारे स्कूलों में बनने लग जाएंगे तब पाई की महिमा और पाई का ये कार्यक्रम तब असली में सफल होगा। कल्पना करिए ग्राउंड में इस तरह से चीजें अलग अलग, और इनफैक्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस, वी डिस्कवर्ड ब्यूटीफुल मैथ दैट इज सिटिंग इन ऑल ऑफ दिस। एंड बस नजर उस तरह की चाहिए, उस तरह के खेल चाहिए। ये जब हमने इलिप्स इस पे लगाए तो इलिप्स लगाएंगे तभी ट्रायंगल बनेगी, और इलिप्स को एक पर्टिकुलर एंगल पर ही डालना पड़ेगा ताकि ये सिलेंडर पर बैठ जाए, तभी ट्रायंगल बनेगी। अगर हम एक सर्कल को लगाएंगे तब नहीं बनेगी। सर्कल को लगाते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग, वो जो वेव बनती है उसको इस कैनॉट भी उसका कोई फॉर्मूला लिख नहीं सकते, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसको ट्रांसेंडेंटल वेव कह सकते हैं और समथिंग लाइक क्लोज फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैं थोड़े बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट वो ऐसी वेव दिखने में साइन वेव है बट है नहीं, उसको तो हमने जियो जेब्रा में प्लॉट ही करा है। वो अगर आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पता चलेगा। तो चलिए बहुत सुंदर ये सारी पाई के ऊपर चर्चा करी, और आखिरी जो समय बचा है उसमें मैं जो आप लोग जो कह रहे थे वो करके कागज के ऊपर पाई दिखाकर पाई के डिजिट, अच्छा हाँ लाखों में एक वो बच गया, तो मैं ये वाला अगले बार के लिए कर देती हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, प्रूफ करना है, प्रूफ करके बताना है कि ये क्यों हुआ, एंड देन वी विल टॉक अबाउट पाई पाई डिजिट्स ऑफ पाई। चलिए तो बहुत सुंदर, अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक साधारण सा कागज है और कागज को हमने रोल कर दिया और इस चक्कू से करके तिरछा काट दिया, ये काट दिया, और देखिए मेरे पास जो बचा ये साइन। और इसकी सबसे मजेदार क्या बात है, मैं आपको यहाँ 2 मिनट में करके दिखाऊंगा, ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों को प्रूव करके बताना है। और इसको मैं ओवरहेड में कर देता हूँ, ये जाते हैं। The most interesting thing about this, जो कि हमने शायद उसके एपिसोड में भी देखा था अपने सब्जी वाले में, लेकिन ये थोड़ा सा भिन्न अगर कह पाए तो होगा, ये हमारी साइन वेव है, ये हमारी साइन वेव है, तो ये हमारी साइन वेव बन गई। इसमें ये वाला एरिया 2π या पाई कह सकते हैं, क्योंकि ये अगर इसकी इसको ऊंचाई को हम आधा मान लें तो, लेकिन इसको अगर हमने आधा कर दिया तो ये वाला एरिया 1 है। इसको पाई बांध, ये पूरा पाई है लेकिन इसको आधा कर दिया, अगर इसको हमने यहां से आधा कर दिया, यहां से आधा काट दिया तो इतना एरिया, इसका एरिया 1 है। कहां पर किस तरीके से पाई आ जाता है और उसी चीज में पाई गायब हो जाता है, जबकि ये पूरी चीज गोला है, ये पूरी चीज गोला है, दिस इज लाइक अ सिलेंडर, सो पाई विल कम एंड गेट आउट एट द सेम टाइम, एंड दैट इज द ब्यूटी। और इसमें जुड़ी हुई जो आखिरी चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो मैं आपके सामने ले आता हूँ, ये हमारे पास एक, ये हमारे साथी दिनेश ने बनाया, बहुत ही सुंदर। ये साधारण से पीवीसी पाइप का हमने क्या करा, एक स्लाइस काट दिया, और कितनी स्लाइस है, सच दैट हाइट इज हाफ द रेडियस, राइट, और है ना स्लाइस, ये जो ये इसका जो रेडियस है इसका हाफ है, तो अगर इसका ये एरिया अगर हम निकालें तो 2πRH होता है, पाई हो जाएगा इसका सरफेस एरिया पूरा, ठीक है, बहुत सुंदर। तो इसका सरफेस एरिया पूरा पाई हो गया। अब हमने क्या करा, ये ऐसे, सॉरी मैं, ये पूरा पाइप था, ये पूरा, ये जो पूरा पाइप था, ये पूरा सिलेंडर था, तो उस पूरे सिलेंडर को हमने तिरछा काट दिया, जैसे अभी काट के दिखाया था वो कागज में, वो काट दिया, तो दिस वॉल्यूम, लेट्स से इफ नाउ द रेडियस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द हाइट, रेडियस इस सिलेंडर का जो रेडियस है और इसकी हाइट यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, इसका वॉल्यूम पाई है, और आधा कर दिया तो पाई बाय 2 है। अब इसको हमने ये पार्ट आधा काट दिया और इस पार्ट को आधा काट करके देखिए इधर डाल दिया, तो ये वापस से सिलेंडर बन गया पूरा। तो अब ये कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम आधा है, लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज इतने चीज का वॉल्यूम, इतने चीज का एरिया, इतने चीज का एरिया और इतने चीज के वॉल्यूम में पाई है, लेकिन ये जो ऊपर का भाग आधा कटा हुआ बचा है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये इसकी अगर कहें तो टोपी कहते हैं, जो भी कहना चाहे, जिसके आधा कर दिए बन जाता है, ये आधी हाइट की जो चीज है, इस पार्ट में, इसके एरिया में और इसके वॉल्यूम में, दोनों में पाई गायब है। पाई एग्जिस्ट इन द होल सिलेंडर, बट इफ आई कट इन हाफ एंड टेक द हाफ पार्ट ऑफ इट, then the pi magically disappears,
और आप लोगों को ये ढूंढ कर बताना है और क्यों हुआ और इसके पीछे इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये आप सब लोगों को ढूंढ कर बताना है। तो चलिए इसके लिए इंतजार करिएगा इसके उत्तर के, और हम आपके यू नो और ये जो भी चीज़ आप बनाएं, ये जो आप प्लेग्राउंड में ये सब चीज़ें करके बताएं या बनाएं, इन सबके वीडियोस बिल्कुल ज़रूर भेजिए। आपके वीडियोस का हमें भरसक बिल्कुल बिल्कुल तन बिल्कुल लगन से हम लोग इंतजार करेंगे। वी वॉन्ट टू सी ऑल द वीडियोज दैट यू मेक। बिल्कुल जो आपने माचिस की तीलियों से काम करके बनाया वो तो सबको ही करना है, कागज से काट कर जो बनाया और जो ये रोलर स्प्रिंग के ऊपर रोल करके जो आप ग्राउंड में चीज बनाएंगे उनके सबके वीडियो जरूर भेजिए। तो पाई के ऊपर ये चर्चा अब हम अगले हफ्ते 5 हफ्तों बाद आगे से और करेंगे, और जैसा कि मैं कह रहा था लाखों में एक वाली बात जरूर करेंगे। पाई की लोगों ने मिलियंस ऑफ डिजिट्स तक खोज करी, 200 बिलियन डिजिट्स तक लोगों ने पाई की डिजिट्स निकाल ली है, इनफाइनाइट तक निकाल सकते हैं लेकिन 200 बिलियन तक ही अटक गए। जैसा मैं कह रहा था रामानुजन के फॉर्मूले से फटाफट निकाल लेते हैं और भी चीजें 200 ट्रिलियन 10 टू द पावर ऑफ 12 इस ट्रिलियन 200 ट्रिलियन डिजिट्स हैं वहां तक खोज निकाली है, और उसमें आपका फोन नंबर सब तरह की वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। तो एक वेबसाइट है, मैं आपको वहां पर ले चलता हूं, और उसमें ये पता चल जाएगा कि आपका फोन नंबर उस पाई में है कि नहीं। तो और उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, यानी 0.1% है, यानी 0.001 है, प्रोबेबिलिटी 0.1%। तो मैं आपको ले चलता हूं वहां पर, कहां पर है ये एडमिशन, ठीक है। तो ये आपको ये ले गए, तो ये है पाई सर्च पेज, इसका आई थिंक वेबसाइट है ngo.net/pi/piquery.html। तो ये हमने एक मैं अपना नंबर मुझे अपना नंबर डालना चाहिए क्या, अपना नंबर डाल देते हैं पहले और देखते हैं कि है कि नहीं। कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है, सॉरी वी कुड नॉट फाइंड दिस नंबर। तो ये नंबर पाई में नहीं एग्जिस्ट करता है, हाउएवर इफ आई पुट 98507 क्या है 9 8 5 0 7 2 9 3 0 7 2 9 3 0 7 ये हमारे मित्र 9 8 2 0 7 9 8 2 0 7 2 9 3 0 7 2 9 3 0 7 भाई हो ये स्ट्रिंग अकर्स एट दिस पोजीशन 1 1 0 2 3 3 8 225 एंड अकर्स ओनली वन टाइम। और ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट में जाकर क्या है, वेबसाइट है यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ ngo.net, ये पूरा वेबसाइट कैसे आएगी, ngo.net मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग ये काम कर पाएं। ngo.net कैसे लिखेंगे, आईपैड में जाकर लिख देखें, ठीक है जी, ngo.net ngio.net/pi/piquery.html ये लास्ट में जाकर लिख देते हैं ब्लैंक स्लाइड, ठीक है, क्या लिखना है ngo.net/pi/piquery.html और इसका लिंक हम वेबसाइट में डाल देंगे। तो आपको क्या करना है, इस जाकर अपना फोन नंबर डालिए, आपका नंबर मिल गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.001% है, चलिए बहुत सुंदर, आपका मिल गया तो 0.001% है, आपके घर वाले या घरवाली का मिल गया तो 0.001% है, और दोनों का मिल गया तो इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा 0.000001, ये कितना है लाखों में एक, लाखों में एक। तो अगर आप दोनों के नंबर मिल गए तो आपकी जोड़ी लाखों में एक है, किसके हिसाब से, पाई पाई के हिसाब से। Thank you very much for joining and we will see you in 5 weeks, मतलब अगले हफ्ते हम आपके ऊपर एक और एपिसोड लेकर आएंगे, लेकिन 5 हफ्ते बाद पाई का पूरा समीकरण कर देंगे। आप लोगों के सभी के होमवर्क का इंतजार है, सभी के होमवर्क प्लीज करके भेजिए, और आज के एपिसोड में स्पेशली जो भी हमने आपने आपसे सवाल पूछे उनके वीडियोस बनाकर उनकी एक्सप्लेनेशन बनाकर जरूर भेजिए। आप सभी के होमवर्क का इंतजार रहेगा, एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो बैक एंड टेल योर टीचर्स टू ऑल ऑफ द टीचर्स टू जॉइन ऑल योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड फैमिली एंड ग्रैंडपेरेंट्स। और अगले एपिसोड में हम वो सारे वीडियोस चलाएंगे आपके लिए जो आप हमें यहाँ पर भेजेंगे।
आप सभी के वीडियोस का जो एक्टिविटीज हमने दिखाए मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ कौन सी वाली। ये सबसे पहले तो वो स्प्रिंग वाली कहाँ चली गई, ये वाली। ये सब अलग अलग तरीके से किस तरह से बनाने हैं, एपिसोड में वापस जाकर आप देखिए। ये वाला तिरछे सर्कल्स, तिरछे एलिप्स, स्प्रिंग और माचिस की तिल्ली, ये सारे एपिसोड आप करके बताएंगे और तब आपको देखेंगे। इस बार ये बात हो रही थी कि हर बार हमने कहा था आप लोगों को एक एक खिलौना दिखाएंगे, तो इस बार हमने आपको ये वाला खिलौना दिखाया था, तो इस बार मिस कर देते ये वाले, बहुत सारे खिलौने दिखाए। तो आपके जैसे मैं कह रहा था कि अगर लास्ट में वापस से अगर आप लोगों के होमवर्क अगर सुरक्षित हैं, आप लोगों के फ़ोन नंबर अगर मिल जाते हैं पाई में उस एनजीओ वाली वेबसाइट में, तो इसका मतलब आप लोगों की जोड़ी लाखों में एक है। वी विल सी यू नेक्स्ट वीक एंड फॉर दैट लेट मी टेक यू एंड शो यू दिस ब्यूटीफुल इन द एंड दिस ब्यूटीफुल।